हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पिस्ता पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। पिस्ता एक सूखा मेवा होता है। इसकी पैदावार मुख्य रूप से न्यू मैक्सिको, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अधिक मात्रा में होती है। भारत में पिस्ता का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। पिस्ता के पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं। पिस्ता के ऊपर छिलका लगा होता है। पिस्ते का छिलका हल्के भूरे रंग का और अंदर से पिस्ता हल्के पीले व हरे रंग का होता है। पिस्ते का जो फल होता है इसके बाहर के छिलके को निकाल दिया जाता है और अंदर का भाग खाया जाता है। इसका आकार छोटा होता है। यह खाने में कुरकुरा होता है और इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। पिस्ता बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होता है। पिस्ता खाने के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। इसमें अनेक विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम और कई खनिज पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसका सेवन करने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। पिस्ते में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसका नियमित सेवन शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को नियंत्रित कर ब्लड में शुगर के लेवल को घटाता है। पिस्ते में फैट और कैलोरी काफ़ी कम होती है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है। पिस्ता की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में ज़्यादा करना चाहिए। इसे खाने से हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। पिस्ते का उपयोग खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुल्फी, मिठाइयाँ आदि बनाने में किया जाता है। पिस्ते को रात में पानी में भिगोकर रख देना चाहिए, फिर सुबह खाली पेट इसे खाना चाहिए। पिस्ता कच्चे, भुने, नमकीन, बिना नमक वाले, छिलके वाले और बिना छिलके वाले कई रूपों में साल भर बाजारों में उपलब्ध रहते हैं। पिस्तों को एयरटाइट कंटेनर में रखा जाता है। हमें प्रतिदिन 5-6 पिस्ते खाने चाहिए। यह बाजारों में बहुत ही महंगे मिलते हैं। पिस्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पिस्ता खाना सभी लोगों को बहुत पसंद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।